Hello guys, my name is Aditya Dubey. Welcome back to another daily MPPSC MCQ part number 18. In this lesson, we will look forward to some important MCQ pertaining to static GK as well as current affair. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य ने 1000 रुपए की पेंशन अपने फार्मर को देने का प्लान किया है जो कि इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक फार्मिंग में. Which state announced rupees 1000 pension for farmer engaged in organic farming? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम. सिक्किम भारत का पहला राज्य बना है जिनकी सरकार ने 1000 रुपए की पेंशन देने का वादा किया है उन फार्मर्स के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व्ड हैं. अब एक और फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा जो आप ये जानते होंगे कि सिक्किम भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, मींस फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. अब हम इसका मैप भी देख लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और इससे रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट भी जान सकें. अब आप देख सकते हैं यह है इंडिया का मैप. लेट मी जूम इन टू सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, ये आप जानते होंगे. सिक्किम एक ट्राई जंक्शन है जो कि अपनी बॉर्डर तीन देशों के साथ शेयर करता है जो है नेपाल, नॉर्थ में है चाइना और ईस्ट में है भूटान. याद रखिएगा, नेपाल, चाइना एंड भूटान के साथ सिक्किम अपनी बॉर्डर शेयर करता है. सिक्किम के जो करंट सीएम है उनके नाम पे भी एक और रिकॉर्ड है, वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं. ओके, सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का किसी भी भारतीय राज्य के अगर कंपैरिजन बात की जाए. इनका नाम है मिस्टर पवन कुमार चैमलिंग, जिन्होंने रिसेंटली वेस्ट बंगाल के एक्स सीएम मिस्टर ज्योति बसु का रिकॉर्ड ब्रेक किया था. ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सिक्किम के जो सीएम हैं उनका नाम है मिस्टर पवन कुमार चैमलिंग, जिन्होंने अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के एक्स सीएम जो हुआ करते थे मिस्टर ज्योति बसु, उनका लॉन्गेस्ट सर्विंग कैंडिडेट का मींस लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कैंडिडेट का रिकॉर्ड ब्रेक किया था. अब इनके रिगार्डिंग इनकी पार्टी भी पूछी जा सकती है कि पवन कुमार चैमलिंग जी किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं. तो ये बिलोंग करते हैं SDF, मींस सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को बिलोंग करते हैं. ओके, इसके रिगार्डिंग हम एक और फैक्ट देख लेते हैं कि सिक्किम के प्रेजेंट गवर्नर कौन है. तो प्रेजेंट गवर्नर जो सिक्किम के हैं वो हैं श्रीनिवास पाटिल. श्रीनिवास पाटिल जी हैं सिक्किम के प्रेजेंट गवर्नर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि इंडिया की पहली 5G लैब इंस्टॉल कहां पे की गई. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज IIT दिल्ली. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में इंडिया की पहली 5G लैब इंस्टॉल की गई और ये इंस्टॉल की गई है एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम है एरिक्सन. ओके, एरिक्सन जो कि एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है उनके द्वारा इंडिया की पहली 5G लैब इंस्टॉल की गई है IIT दिल्ली में. अब एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा इस स्लाइड में जो है इंपॉर्टेंट. IIT रुड़की का पुराना नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो IIT रुड़की का पुराना नाम है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. ओके, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो सकता है. और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुड़की कहां पे सिचुएटेड है. ये कुछ लोग काफी कंफ्यूज होते हैं. रुड़की सिचुएटेड है उत्तराखंड में. ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो भारत का है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो पूरी तरीके से LED स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल किया है. मींस विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट LED स्ट्रीट लाइट डिस्ट्रिक्ट. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ईस्ट गोदावरी. ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, ये बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश को. लेट्स लुक इनटू मैप सो दैट वी कैन गेट बेटर ग्लिम्स ऑफ द टॉपिक. तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा इंडिया का मैप. लेट मी जूम इनटू आंध्र प्रदेश. तो ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म किया गया था 1953 में. ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया इज आंध्र प्रदेश विच वॉज फॉर्म्ड इन 1953. अब एक और फैक्ट आपसे रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग कब हुआ, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना की फॉर्मेशन डेट क्या है. तो आप ये भी याद रखिएगा तेलंगाना की फॉर्मेशन डेट है 2nd of June 2014. 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य फॉर्म किया गया. अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की. तो आंध्र प्रदेश के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नारा चंद्रबाबू नायडू, जिनको एन चंद्रबाबू नायडू नाम से जाना जाता है. ये बिलोंग करते हैं TDP पार्टी को जिसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी. अब आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम भी हमें मालूम होना चाहिए. आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ESC नरसिम्हन. ESC नरसिम्हन इज द करेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि UNEP के द्वारा दुनिया का पहला फुल्ली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है.
अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये यूनेप के द्वारा वर्ल्ड का पहला फुल्ली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अब इस स्लाइड के रिगार्डिंग हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहली बात तो ये यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 को और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। ओके, याद रखिएगा नैरोबी केनिया में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसने अभी रिसेंटली कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट घोषित किया है। अब हम दूसरे फैक्ट्स भी इसके रिगार्डिंग जान लेते हैं एक मैप में देख के। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा मैप, और अगर आप देखें ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप अगर जूम करेंगे तो आप देखेंगे कीनिया। ओके, कीनिया की कैपिटल है नायरूबी, जहाँ पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अब हम केरला को पॉइंट आउट करते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग केरला के रिगार्डिंग हो सके। तो केरला लाई करता है सदर्न स्टेट को, ओके, सदर्न पार्ट को बिलोंग करता है। केरला की जो कैपिटल है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। यहाँ के सीएम कौन है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केरला के जो प्रेजेंट सीएम है उनका नाम है पी विजयन। पी विजयन इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। अगर बात की जाए गवर्नर की तो केरला के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं उनका नाम है पी साथा शिवम। पी साथा शिवम इज द करंट गवर्नर ऑफ केरला। और सीएम मैं आपको बता चुका हूँ, पी विजयन इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर स्मार्ट सिटी लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया है। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और फैक्ट बताना चाहूंगा। हमारे एमपी में टोटल स्मार्ट सिटीज की अगर बात की जाए तो वो है टोटल 7। ये कौन कौन सी है ये भी आप याद रखिएगा। एक तो हो गई भोपाल, जैसा मैंने आपको बताया कि जहां पे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हैं कुछ स्मार्ट सिटी जो हैं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, देन वी हैव जबलपुर, सतना एंड देन वी हैव सागर। ओके, तो ये हो गई हमारी टोटल 7 स्मार्ट सिटीज, जिसका आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी स्मार्ट सिटीज शामिल है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 100th स्मार्ट सिटी हमारे जो इंडिया की है वो कौन सी है। ओके, अगर आपको पता है तो इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर पीडीएफ अपडेट्स या कोई भी दूसरी अपडेट्स जो मैं चैनल की रिगार्डिंग करता हूं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है t.me/aditya-dubey-mppsc। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mppsc, या आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर की लिंक है twitter.com/cyberaditya। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक, बाय बाय।